लक्ष्मी जी सुबह क्या हुआ था बताए जब सुबह पान लाया था ना खाने के लिए ना कुछ और बच्चा भी साल का घर में थे उस वक्त हाँ जी जब आप बचा ली गए क्या कहना चाहेंगे पिशाची को उनको बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने बचा अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बचा लिए यहाँ पर हमारे दो बच्चे थे हम तो रुट जाएंगे फोन आते रहे लोग आते रहे पानी कम होता रहा तो काफी लोग रेस्क्यू में इन्वॉल्व हुए कितने लोग थे वहाँ पे शामिल और क्या क्या इस दौरान कोई कठिनाई क्या रही सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि नदी क्रॉस करनी थी उसमें तारबंदी ज्यादा रखी थी तारबंदी में खतरा ये था कि कहीं टायर की ट्यूब पंचर ना हो जाए ताकि मेरा नुकसान हो जाए मैं बह जाता नदी में लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए अपनी जैकेट रखी है उसका उपयोग किया था उसके परसों मैं भी बच पाया और वहां तक पहुंचा काफी बढ़ रहा था और मैंने फोन किया अपने रिश्तेदार जो पार फंसे थे उन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि हमें हेल्प की जरूरत है हम फंसे हुए हैं ऊपर अपने छत पे और मैंने जैसे ही अपने मित्रों को फोन किया अपने उपप्रधान हमारे जगदीश चंद उनको फोन किया उन्होंने आगे की कार्रवाई की जैसे ही मैडम को बताया लेकिन मैं तुरंत यहाँ से अपनी ट्यूब लेके और तुरंत चाय लेके वहाँ परिवार के पास पहुँचा और उनको दिलासा दिया कि टीम आ रही है आप निश्चिंत रहें और डीसी मैडम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने तुरंत एक्शन करते हुए हर एक एक चीज को बचाया इंसानियत को बचाया हमें खुशी है इस चीज की आपने जो किया और उनको हौसला दिया कि आपके साथ पूरा प्रशासन खड़ा है पूरी पंचायत खड़ी है और पूरे लोग यहाँ के खड़े हैं हम रेस्क्यू 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक के रेस्क्यू चला और बड़ा खतरा था यहाँ पर नदी का और इससे जो है इनको हौसला बुलाई हम देते रहे बड़े बहादुर लड़कियां हैं कितने लोगों को बाहर निकाला गया हमने 28 लोगों को वहां से बाहर निकाला और 6 परिवारों पर लोग हैं ये प्रशासन भी आया डीसी मैडम आई एसडीएम साहब आए तहसीलदार साहब आया और सब ने 10-10 हजार जो वॉलंटियर्स और हमारे जितने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पुलिस होमगार्ड बटालियन के लोग रेवेन्यू ऑफिशियल्स उन सभी को जो है हम बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं और अभी भी अगले 2 दिन रेड अलर्ट है और बारिश जो है वो लगातार जारी रहने की संभावना है तो अभी भी हमीरपुर ज़िले में जो भी लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पे पानी का स्तर ऊपर होने की संभावना है और यहाँ या पुलिस या प्रशासन द्वारा जहाँ अलर्ट जारी किया हुआ है उन सभी लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसी खतरे की चीज़ आपके आसपास लगती है तो पहले ही आप ऊपरी सतह पर आ जाएँ ऐसी नौबत ताकि आए ना और जो भी डायरेक्शंस हैं उसका पालन करें और पानी के आसपास जो है वो बिल्कुल ना जाएं थैंक यू